हेलो एवरीबॉडी, मैं रंजीत कौर, मेरी सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको आज के महंगाई के ज़माने में पतले होना और हेल्दी होने के छोटे छोटे टिप्स बताने की कोशिश करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पतले हुआ जा सकता है एक छोटे से खर्चे से, कैसे बचा जा सकता है इन बुरे बुरे बीमारियों में। ये कोरोना टाइम चल रहा है, मेरे टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। सबसे पहले नाइट से स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ में इंसान पर्सन जिसके थ्री कैटेगरीज में चेंज करते हैं, जिसमें हम पहले ये सोचते हैं कि कौन कौन से के लिए, कैसी कैसी डाइट के लिए हमें खाना चाहिए, कौन से टाइम खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास तीन कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो जॉब करते हैं, सेकंड जो हाउसवाइफ होती हैं, और छोटे बच्चे और यंग जनरेशन आती है। यंग जनरेशन में जो होते हैं वो काफ़ी आजकल अवेयर हैं डाइट के बारे में, सब कुछ के बारे में, जिनको मालूम है कि किस टाइम खाना है नहीं खाना, फिर भी फास्ट फूड और ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में हम उनको नहीं बता पाते। अब हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट की जो एज वाली, मतलब 50 और 60 एज के लोग होते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, मदर, फादर, मदर इन लॉ, ऐसे लोगों के फर्स्ट खाना कैसे खाना चाहिए और किस टाइम खाना चाहिए, ये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये देखना है सबसे पहले टाइम, किस टाइम पे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और फूड की वैरायटी क्या होनी चाहिए, कि रोज़ ऐसा खाने से जिससे हमें विटामिन्स मिले, ताकत मिले, ऐसे भोजन हमारे ब्लड में जाएगा जिससे खून बनेगा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। अब हम देखते हैं जो लेडीज़ जो घर में काम कम करती हैं, बीमारी है, उन लोगों को क्या खाना चाहिए। जैसे आपकी पहले समझ लीजिए मदर इन लॉ है, उनको रात को 7 या 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। ये सबसे पहले टिप उनको देना है कि आपको 8 बजे 8:30 बजे तक खाना फिनिश करके उसके बाद कुछ नहीं खाना, डाइजेस्ट करना है। 9 साढ़े 9 बजे के बाद तक आपको सैर करके सो जाना है। ये खाने में क्या क्या खाना चाहिए, ये आपके धीरे धीरे